कि किसी ने टाइम नहीं दिया होगा नीतीश कुमार जी को। नीतीश जी अपने पॉलिटिक्स के लिए दिल्ली गए होंगे, किसी भी गठबंधन के लोगों ने इनको भाव ही नहीं दिया। नीतीश कुमार जी की राजनीतिक हैसियत क्या रह गई है देश में, ये देश के गठबंधन के लोग जानते हैं। बीमार है और उनको इलाज की जरूरत है। आप देखिए कि पूर्ण रूप से वो क्या क्या बोल रहे हैं। मतलब कोई भी संस्कृति नहीं है हमारे यहाँ कि हम 15 अगस्त या 26 जनवरी को कोई राजनीतिक बात करते हो। नीतीश कुमार जी के नजर में बिहारी अब बोरा ही बेचेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार जी जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो शिक्षक हैं, उनको अब बोरा बेचने के लिए ये काम पे लगा रहे हैं। ये एकदम दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह का निर्णय तुरंत सरकार को वापस लेना चाहिए। भाजपा पूर्ण रूप से नीतीश मुक्त बिहार बनाने की संकल्प को आगे लेके बढ़ेगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में, मैं आपके साथ रूपम। देखिए, बीजेपी कार्यालय का माहौल ही कुछ अलग है। आप मेरे पीछे सुन ही रहे होंगे गूंज जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, और मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि हर किसी का एक कैबिन बना हुआ है और वहां पर जाकर सम्राट चौधरी जी उनका पद ग्रहण करवा रहे हैं, उनका पद भार दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले जो सम्राट चौधरी जी के अंडर में कुछ लोगों को पद दिया गया था, नई जो पद है उन्हें दिया गया था। 80% ऐसे लोग थे जो नए लोग थे और 20% ऐसे लोग थे जो कि पुराने लोगों को ही जगह वहां पर मिली थी। एक कमेटी की गठन हुई थी, नई कमेटी की गठन हुई थी और उन लोगों को 24 और 25 के लिए यह पद दिया गया है कि कैसे काम करना है, और आज उनको यह पद ग्रहण करवाया जा रहा है। यानी कि पहले उन सभी का नाम उसमें जोड़ दिया गया था कि हाँ इतने लोगों को वहाँ पर जोड़ा गया है, लेकिन आज उन सभी को पदभार दिया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि सम्राट चौधरी जी हर किसी के पास जा रहे हैं, कैबिन में जा रहे हैं और उनको वो जो पदभार है वो उनको दे रहे हैं, उनको सौंप रहे हैं। माहौल ही कुछ अलग है। चलिए हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से सम्राट चौधरी हर एक के कैबिन में गए और उनका पद भार जो ग्रहण है वो उनको करवाते हैं, और उसके बाद फिर सीधे नीतीश कुमार पर निशाना साधते हैं। सुनिए सम्राट चौधरी क्या कह रहे हैं कि किसी ने टाइम नहीं दिया होगा नीतीश कुमार जी को। नीतीश जी अपने पॉलिटिक्स के लिए दिल्ली गए होंगे, किसी भी गठबंधन के लोगों ने इनको भाव ही नहीं दिया और ये टाइम मांगते रह गए, इनको मिला ही नहीं। अब नीतीश कुमार जी की राजनीतिक हैसियत क्या रह गई है देश में, ये देश के गठबंधन के लोग जानते हैं। दूसरा सवाल है, बिहार सरकार के तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से शिक्षकों को बोड़ा बेचने का भी निर्देश दिया गया। कहा गया कि जो मध्यान्ह भोजन में जो बोड़े का इस्तेमाल किया जाता है उसे 20 रुपए में बेचा जाए। देखिए, जिस तरह की स्थिति झलकती है, बिहार के मुख्यमंत्री क्या क्या बोल गए 15 अगस्त के अवसर पर, इनको याद भी नहीं होगा, लिख के दिया होगा। मैं बार बार कहता हूं कि बीमार है और उनको इलाज की जरूरत है। आप देखिए कि पूर्ण रूप से वो क्या क्या बोल रहे हैं। मतलब कोई भी संस्कृति नहीं है हमारे यहाँ कि हम 15 अगस्त या 26 जनवरी को कोई राजनीतिक बात करते हो, और किस तरह की बातें मुख्यमंत्री जी ने किया है ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन शिक्षक पढ़ाएंगे या बोरा बेचेंगे? अब नीतीश कुमार जी के नजर में बिहारी अब बोरा ही बेचेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार जी जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो शिक्षक हैं, उनको अब बोरा बेचने के लिए ये काम पे लगा रहे हैं। ये एकदम दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह का निर्णय तुरंत सरकार को वापस लेना चाहिए। अटल जी के श्रद्धांजलि में जो गए थे, लगता है कि बीजेपी को तोड़ने की कोशिश है क्या नीतीश कुमार की, लगातार जेडीयू के नेता दावा नहीं, ये गलत फहमी पहले नीतीश बाबू निकाल दीजिए कि अटल बिहारी वाजपेयी के कृपा से वो मुख्यमंत्री बने, सरदे अटल जी और भाजपा के कृपा से मुख्यमंत्री बने, तो वो कृपा याद रखे, मेरा इतना ही आग्रह है। और भाजपा अटल जी के समय भी भाजपा के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, और आज भी नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, नड्डा जी भाजपा के नेता हैं। इसलिए एकदम बेफिक्र रहिए, भाजपा पूर्ण रूप से
नीतीश मुक्त बिहार बनाने की संकल्प को आगे लेके बढ़ेगा। तो आपने सुना साफ तौर पे कि सम्राट चौधरी जो कि साफ तौर पे कह रहे हैं कि भाई अब शिक्षक बोरा बेचने का काम करेंगे, तो समझ सकते हैं कि बिहार में शिक्षा की क्या व्यवस्था होगी। चलिए अभी के लिए इतना ही, बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।